सर सभापति जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आइटम नंबर 27 और 28 से पहले जो आइटम नंबर 29 है, जो सेरोगेसी रेगुलेशन बिल जो लगा हुआ है, वो पहले चर्चा के लिए ले लिया जाए। आइटम नंबर 29 सभा की सहमति हो तो आइटम 29 को पहले ले लिया जाए। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य अपना विषय सभा पटल पर दे सकते हैं। आइटम नंबर 29 को लेंगे, माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी आप इनको बैठाइए, बोलिए बैठिए। रहा है आप प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। बहुत महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन संसद में हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है, आप कृपा करके सहयोग करें। कृपया माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर वापस जाएं। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई राइज टू नो दैट द अमेंडमेंट्स मेड बाय द राज्यसभा इन सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 एज पास्ड बाय द राज्यसभा बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 157 पर विचार किया जाए। जो सदस्य पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राज्यसभा ने संशोधन संख्या 32 के द्वारा खंड 7 के तथा संशोधन संख्या 36 के द्वारा दो नए खंड 13 के तथा 13 ख लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में जोड़े हैं। इस संबंध में मैं आपका ध्यान निर्देश 31 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो यह प्रावधान करता है कि जब किसी विधेयक में एक नया खंड अंतर स्थापित करने का संशोधन सभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष प्रश्न को इस प्रकार रखेगा कि नया खंड विधेयक में जोड़ दिया जाए। अतः मैं संशोधन संख्या 32 तथा 36 अलग अलग सभा के मतदान के लिए रखूंगा। इन संशोधनों को स्वीकृत हो जाने पर मैं इन संशोधनों द्वारा जोड़े जा रहे नए खंडों को भी सभा के मतदान के लिए रखूंगा। अब मैं राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 131 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 131 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न यह है कि राज्यसभा द्वारा किए गए नए खंड 7 के का अंतर स्थापन करने वाले संशोधन संख्या 32 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन संख्या 32 स्वीकृत हुआ। अब मैं नए खंड 7 के को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि नया खंड 7 के विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, नया खंड 7 के विधेयक का अंग बना। अब मैं राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 33 से 35 को
सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 33 से 35 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न यह है कि राज्यसभा द्वारा किए गए नए खंड 13 क तथा 13 ख का अंतस्थापन करने वाले संशोधन संख्या 36 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन संख्या 36 स्वीकृत हुआ। अब मैं नए खंड 13 क तथा 13 ख को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है कि नए खंड 13 क तथा 13 ख विधेयक का अंग बने। जो सदस्य पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, नए खंड 13 क तथा 13 ख विधेयक का अंग बने। अब मैं राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 37 से 57 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 37 से 57 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुए। अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हो। सर, चेयरमैन सर, आई मूव दैट द अमेंडमेंट्स मेड बाय द राज्यसभा बी एग्रीड टू। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हो। जो सदस्य पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हुई। माननीय सदस्यगण, चूंकि विधेयक में कुछ नए खंड जोड़े गए हैं, इसलिए मैं निर्देश देता हूँ कि परवर्ती खंडों का तदनुसार यथोपेक्षित उन्हें नामांकन कर दिया जाए। प्लीज बैठ जाइए, कृपया करके अपनी सीट पर जाइए। यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। कार्रवाई में सहयोग कीजिए। आपने आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा के द्वारा निष्पादित किया गया। प्लीज डू कोऑपरेट। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 20 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।